हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। और आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को मूंग दाल बर्फ़ी की रेसिपी। ये बिना चाशनी के बना है और बहुत ही कम घी में ये बनकर तैयार हुआ है। तो इस दिवाली इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने चढ़ाया एक पैन और मैंने लिया है एक कप ये पीली वाली मूँग की दाल, जिसे मैंने कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ लिया है। देखिए ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई भी डर्ट नहीं है। अब हम लोग इसे डाल देंगे पैन के अंदर और इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे, जब तक कि इसमें से सुनहरी खुशबू ना आने लगे दाल भूनने की। तो ये हो चुका है, अब हम लोग इसे निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा करके उसे ग्राइंड कर लेंगे। फिर मैंने पैन चढ़ाया, उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून घी। घी को चारों तरफ अच्छे से फैला दें और उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। और ये दाल देखिए इस तरीके से ग्राइंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, बट हाँ भून कर पीसने से अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। तो दाल को घी के साथ तब तक भूनना जब तक वो सुनहरा कलर का ना हो जाए और सुनहरी खुशबू ना आने लगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर दाल को भून लिया था घी के साथ। तो देखिए ये हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। और ये दाल भून चुका है और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है 1 कप दाल के लिए। इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगी। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैं ग्राइंड करूंगी। तो ये ग्राइंड कर दिया है मैंने दोनों को। तो देखिए पाउडर फॉर्म में होता है, दरदरा थोड़ा रहना चाहिए बट इसमें दाना नहीं बचना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए ये हो चुका है, चलिए अब बनाते हैं बर्फ़ी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और देखिए पैन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पैन खाली है, ना घी ना तेल कुछ नहीं। तो इसमें मैंने डाला है 1 कप खोआ और खोआ का अपना एक अलग घी रहता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप छोड़ेगा भूनते भूनते। और ये है रेडीमेड खोआ, आप घर पे भी बनाकर ले सकते हैं। तो खोआ अपने आप मेल्ट होना शुरू हो गया है। खोआ को मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से भूना था मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो देखिए लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 कप हल्का गरम दूध और खोआ के साथ ही इसे मिक्स कर लूँगी जब तक कि पूरा खोआ दूध में घुल ना जाए। ये सब कुछ मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ मैं। तो देखिए तब खोआ दूध के साथ घुल चुका है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई दाल और चीनी, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 4 से 5 क्रश्ड किया हुआ इलायची कूटा हुआ, और इसका छिलका मैंने हटा दिया। आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सब को एक साथ तब तक भूनना है जब तक पैन छोड़ने ना लगे। तो देखिए ये पैन छोड़ने लगा है, इसे भी मैंने 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से भून लिया था। देखिए ये हो चुका है बिल्कुल बनकर, अब हम लोग इसे सेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बर्तन, उसमें मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा घी इसे ग्रीस करने के लिए। फिर मैं इसमें बर्फ़ी डाल दूंगी सेट होने के लिए। इसे थोड़ा सा हाथ से मैं चिकना कर दूंगी और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने डाला है पिस्ता। अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल सकते हैं। और इसे मैं ठंडा होने के लिए सेट होने के लिए 2 घंटे तक छोड़ दूंगी। 2 घंटे बाद अब हम लोग इसे कट करेंगे। तो जो भी शेप चाहे आप दे सकते हैं, मैंने स्क्वायर शेप दिया, आप बर्फ़ी का शेप भी दे सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी स्वादिष्ट सी बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो इस दिवाली इसे ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों। और मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।